किया, उस विषय में आप क्या कहेंगी कि जनता का आपका स्नेह आपके प्रति क्या रहा? थैंक यू मेरे भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं इस चीज को कि जनता का स्नेह सर चढ़ के बोला। मेरे भाई बहन सर आंखों पे मुझे बिठाए, मुझे एहसास कराए कि आप भले मेरे से दूर हैं, फिर भी आपका स्नेह हम लोगों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहा है। आप दीपक वहां जला रही हैं, फिर भी हम आपके दीपक को नीचे जला रहे हैं। जब आप आवाज देंगी हम एक लय ताल पंक्ति कतार और एकजुटता का परिचय देते हुए आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने के लिए सरकार से तैयार। आपका भविष्य का कोई आयोजन है? जी बिल्कुल, अभी पहले प्रदेश भ्रमण के साथ रणनीति की तैयारी। उस रणनीति में शासन अगर मुहर लगा देती है तो सो गुड, और अगर नहीं लगाती है मुहर तो आर पार की लड़ाई लड़ने की रणनीति बन रही है। आपकी उप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, उस विषय में आप क्या कहेंगे? मैं दो बार उप मुख्यमंत्री जी से मिली। पहली बार मिलने पर उन्होंने आश्वासन दिया, दूसरी बार हाई पावर कमेटी में पूरी बैठक सभी के साथ हुई। उस हाई पावर कमेटी की बैठक के पश्चात हम लोगों को लगा कि कार्रवाई जिस हिसाब से नाम रखा गया है हाई पावर कमेटी कि तुरंत डिसीजन आएगा, लेकिन धीरे धीरे डिसीजन लंबा खिंचता चला जा रहा है। और मैंने शासन को भीड़ का एहसास कराया। डिप्टी सीएम साहब द्वारा कहा जाने पर कि पूर्व के संगठनों ने बहुत चंदा चोरी की है, मैंने विनम्र भाव से उनसे कहा कि महोदय आप 172,000 परिवार की जांच करा लीजिए, एक बार जो कुछ डिसीजन लेना हो ले लीजिए, क्योंकि जो नहीं लिया है वो बाहर आ जाएगा और जिन्होंने गद्दारियां की हैं वो पक्का है डूब जाएंगे। और आज के संगठन की बात अगर मैं करूं, मैं पर्सनल अपनी बात करूं तो मेरे घर में 4 अकाउंट है, मेरे बेटी का, मेरे हस्बैंड का, मेरे बेटे का और मेरा। मैं बेटी का अकाउंट बिल्कुल नहीं छूती हूँ कन्याधन के नाम के हिसाब से, और अपने 3 अकाउंट से मैं खर्च करती हूँ पैसा। मेरी कमेटी मेरे साथ खड़ी है, इससे ज्यादा लोगों को क्या प्रूफ चाहिए। जैसा कि ज्यादा समय बीत रहा है तो आपके संगठन के लोग परेशान हो रहे होंगे, उस विषय में आप क्या कहेंगे? ये भी बहुत अहम क्वेश्चन है, परेशान होना लाजमी है, लंबा समय खिंचता चला गया। शिक्षा मित्र इतिहास में इतना लंबा धरना कभी नहीं लगा था, और वो भी बिन फूटी कौड़ी किसी से लिए हुए। मैंने तो वो करके दिया अपने भाई बहनों को कि आप मात्र मेरे साथ खड़ा होइए, शासन से लड़ने का काम मैं करूंगी। और जिन गद्दारों ने लूट का धंधा मचा करके मेरे भाई बहनों को बेमौत नींद में सुला दिया, वो कभी अब जगने वाले नहीं है। उनके लिए मैंने एक रास्ता खोल के दिया कि अगर ईमानदारी साथ चलती है तो सर ताज अपने आप लगता है। बेईमानी बंद कर दो, नहीं तो बेनकाब इतना होगे जिसका तुम्हें अनुमान भी नहीं है। अपने भाई बहनों से कहूंगी कि मौत को चुनना अच्छी चीज नहीं है, अभी भी धैर्य रखिए, धैर्य और साहस का परीक्षा हमारे ले रही है गवर्नमेंट। एक दिन हमें पता है गवर्नमेंट हमारी मांगों को मानेगी, क्योंकि 172,000 परिवार के आजीविका का बात है। आज जिस कद्र पे 172,000 परिवार खड़ा है, उस परिवार का सपोर्ट अगर शासन छोड़ती है तो शासन को भी कहीं ना कहीं उस खामियाजा का भुगतान तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो उनका नुकसान किसी रूप में हो, वोट बैंक के रूप में हो, या उनके स्नेह के रूप में हो, या उनकी छवि के रूप में नुकसान हो तो उनका भी रहा है। पुनः कहूंगी कि आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, लड़ाई के लिए कमर कसते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने मिशन को सार्थक बनाते रहिए। दीपक मत बुझने दीजिएगा, जिस दिन दीपक बुझने लगेगा आपका उस दिन दुश्मन हावी होगा। दुश्मन को हावी नहीं होने देना, हम दुश्मन के कलेजे पे चढ़ के अपने हक को मांग लेंगे, ये मेरा आप लोगों से वादा, क्योंकि पेट की रोटी को कोई रोक नहीं सकता है। पेट की रोटी के लिए आज मैं 4 महीना 9 दिन से इको गार्डन में तप रही हूँ, क्या शासन को दिखाई नहीं दे रहा है? बार बार केवल एक संदेश आता है, इतना बिजी आप। मौत का तांडव देखने के बाद अगर कोई कहता है कि मैं बिजी हूँ तो वो अपने नकारेपन को छिपाता है। और सबसे अच्छी बात बताऊं, जहाँ पूरे लोग अयोग्य 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 की मुहर लगाते थे, योग्यता का परिमाप मापते समय 68,500 की भर्ती ने उनको दिखा दिया कि कितने योग्य लोगों को आपने लिया था, जो बिना परीक्षा दिए बिना पास हुए भी 40,000 के हकदार आपने उनको बना दिया था। मैं धन्यवाद दूंगी सुत्ता सिंह जी को, उन्होंने खोल करके पूरा इतिहास बाहर रख दिया कि लो
दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और योग्य अयोग्य की तुलना कर लो। जहां हाई कोर्ट कह रही है कि मूल्यांकन करो, कॉपियों की जांच करो, काहे का मूल्यांकन और काहे की कॉपियों की जांच, जहां सब कुछ शमशान घाट पे बदल गया है। जब सारी कॉपियां ही जल गई हैं तो काहे का जांच होगी। रह गई बात अयोग्य अयोग्य की परखने की, आज तो जनता भी खुले आंखों से देख रही है कि जो गवर्नमेंट कह रही है क्या वो कर रही है, कहां योग्य और कहां अयोग्य की तुलना। 20 साल की सेवा के बाद हमें आप अयोग्य ठहराते थे, 20 दिन के बाद उनको योग्य की डिग्री दे करके आप उनको चार चांद लगा रहे हैं, कितना योग्य डिग्री आप धर रहे हैं ये समय बता रहा है। रह गई बात हमारे परिवार को सुखमय देखने की, मैं ईश्वर के घर में इतना जानती हूँ कि ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती है। जिस दिन वो जिसकी बैंड बजाता है सबकी बैंड अपने आप बज जाती है, किसी को कहना नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं एक उसी पे विश्वास की हूँ, क्योंकि उसी के आगे मैं झुकती हूँ, बाकी मैं किसी के आगे झुकती नहीं, क्योंकि ईश्वर में इतनी ताकत है कि आज भी सब कुछ दुनिया का होते हुए भी ईश्वर ने अपनी कमांड किसी को दी नहीं, वो कमांड अपने आप रखे हुए हैं और वही ताकत मुझे शायद आज यहाँ तक पहुंचा रही है। और अपने भाई बहनों से पुनः एक अपील कि आप अध्यापक है, अध्यापक की गरिमा में रहते हुए आप मिसाल बनाते हुए अपनी गरिमा का एहसास शासन को कराते हुए, जब भी मैं आवाज दूं उस आवाज में अपने कंधे का बल लगाते हुए मुझे साहस प्रदान करिएगा और मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार रहिएगा। मैं शासन से अपेक्षा रखूंगी कि मेरी आवाज अगर आप तक जा रही है तो आप इस निर्णायक भूमिका को अहम जिम्मेदारी लेते हुए निभा दीजिए, वरना कहीं ना कहीं वो दिन दूर नहीं कि आप भी पछताएंगे और हम तो पछता ही रहे हैं।